मेरा नाम है शोभा। आज के वीडियो में बात करने वाले कैसे आप गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के रिव्यू को एक बिजनेस से दूसरे बिजनेस पे मूव कर सकते हैं। बहुत लोग का क्या होता है कि वो एक बिजनेस अपना बंद कर देते हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में जो भी रिव्यू है वो उनके नए गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में चला जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे आप पुराने वाले बिजनेस रिव्यू को आप नए बिजनेस रिव्यू में ऐड कर सकते हैं या फिर उसे मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कैसे आप पुराने वाले रिव्यू को मूव कर सकते हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें। चलिए हम शुरू करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जो एक बिजनेस रन कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो अपना बिजनेस बंद करना चाहते हैं, ठीक उसी एड्रेस पे वो अपना फिर से दूसरा बिजनेस रन करना चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनके पुराने वाले लिस्टिंग पे जो भी कस्टमर रिव्यू है वो उनके न्यू बिजनेस पे वो कस्टमर रिव्यू आ जाए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे वो अपने पुराने वाले गूगल बिजनेस लिस्टिंग के रिव्यू को न्यू बिजनेस लिस्टिंग में उसे मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको काम करना है कि आपको अपने पुराने वाले गूगल बिजनेस लिस्टिंग के प्रोफाइल को ओपन कर लेना है और आपको ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस प्रोफाइल एक्टिव होना चाहिए, तभी आप उसके रिव्यू को मूव कर सकते हैं न्यू बिजनेस में, ठीक है। सेकंड, आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है कि आपका जो पुराने वाले बिजनेस का कैटेगरी होना चाहिए वो ऑलमोस्ट आपका सिमिलर होना चाहिए न्यू वाले बिजनेस कैटेगरी से, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आप रिव्यू को मूव करते हैं न्यू बिजनेस लिस्टिंग में, तो है कि बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि जो कि जब भी रिव्यू मेंशन करते हैं तो वो आपकी सर्विसेज को मेंशन करते हैं। तो अगर आपका सिमिलर सर्विसेज नहीं होगा ऑलमोस्ट, तो क्या होगा, गूगल कन्फ्यूज हो जाएगा और हो सकता है कि आपका गूगल बिजनेस लिस्टिंग सस्पेंड हो जाए। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पुराने वाले रिव्यू को न्यू बिजनेस लिस्टिंग में अगर मूव करना चाहते हैं तो ऑलमोस्ट वो बिजनेस कैटेगरी सेम होना चाहिए, तभी ये हेल्पफुल हो सकता है आपके न्यू वाले बिजनेस लिस्टिंग के लिए। और रिव्यू को मूव करने के लिए आपको काम करना है, मान लीजिए कि आप इस वाले लिस्टिंग को बंद करना चाहते हैं तो आपको बंद नहीं करना चाहिए, आपको उसे ओपन रहने देना चाहिए। और यहाँ पे आप इन्फो में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से आप इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। अगर आपका वही एड्रेस है या वही या फ़ोन नंबर है जो आप न्यू वाले लिस्टिंग में देना चाहते हैं, तो आपको काम करना है इन्फो में जाके वहाँ से आप बिजनेस नेम को एडिट कर देंगे और उससे रिलेटेड कुछ अगर डिटेल होगा तो उसको आप एडिट करके उसे पब्लिश कर देंगे। तो हो सकता है कुछ कैटेगरी अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसे आप चेंज भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट करेंगे, उसके बाद आपका जो भी रिव्यू होगा आपके न्यू बिजनेस लिस्टिंग में आ जाएगा। तो आपको बस काम करना है अपने बिजनेस नेम को एडिट कर देना है, ठीक है। मैंने खुद भी ऐसा किया, यहाँ पे जो भी आप रिव्यू देख पा रहे होंगे, मेरे पुराने वाले गूगल बिजनेस प्रोफाइल का भी बहुत सारा रिव्यू है, ऑलमोस्ट मैंने जो एडिट किया था सिमिलर बिजनेस कैटेगरी था, तो इसलिए मेरे बिजनेस के लिए हेल्पफुल हुआ। बस मुझे अपना नाम चेंज करना पड़ा, मुझे बस कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन जो मेरे न्यू वाले बिजनेस लिस्टिंग में चाहिए थे मैंने वो ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप न्यू बिजनेस के लिए न्यू लिस्टिंग को क्रिएट ना करके आप पुराने वाले एक्टिव लिस्टिंग को काम करेंगे, उसके नेम को बस रीनेम कर देंगे और उसके बाद आप उसे पब्लिश कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा टाइम पेंडिंग रहेगा, उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका रिव्यू भी सेफ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। Thank you so much.